आपके स्वागत बा बुद्धि समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके अगली राज इसने कैमरा पर्सन नरेश के साथ में कार्यक्रम संस्कृति सरोवर आपके अपने कार्यक्रम हो जिमे हमरे हमने की समाज में विकृति भी संगत हटा के तमारी विशेष समावेश कर जत जिससे कि हमने की समाज में तमाम प्रकार की विकृति बा हमरे घरेलू हिंसा कही सकल जिसने दहेज पर था अभी तक विद्यमान बा और हमन के जो समाज में एक अंधविश्वास भी बटले बा ऐसे हमरे जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके के और असल सभी समाज हमरे निर्माण करे के का करे परी थे हमरे युवा लोगन कैसन भूमिका खेले के आवश्यक बा इस मध्य हमारी चर्चा कर जत और हमरे ये विषय में जानकार व्यक्ति से वहाँ के विचार भी आदान प्रदान कर जत ते आज हम लग अतिथि बैठे समाज से भी कलम बहादुर चौधरी जो की वहाँ तिलोत्मा नगर पालिका के बासिंदा होने हमरे वहाँ से आज बातचीत कर लिए तो हमारे कार्यक्रम में वहाँ की स्वागत कर लेते कार्यक्रम में आपकी स्वागत बा धन्यवाद नमस्कार। आप इतना घड़ी क्या कर जाते थे? हम इतना घड़ी समाज सामाजिक काम में लगल बाटी ऐसे विगत में हम जागीरे जीवन रहे धागो कारखाना में हम लेखापाल के हैसियत से काम करत रहली। अब हम राजीनामा दे के एक वर्ष से सामाजिक सेवा में लगल हाते धागो फैक्ट्री में काहे राजीनामा धरले थे? अब धागो कारखाना विगत से बंद के स्थिति में बा हमरे एठू जागीरे के हिसाब से और समाज सेवी के हिसाब से भी लागल जरूरी बा कह के बंद कारखाना में ज्यादा समय हमरे का करे लागल जा अपन समाज के निर्माण में भी कुछ हमन के प्रतिबद्धता बा ऐसे हम वो कारखाना छोड़ दे। हमन के युवा लोगन के हमन के समाज में देखल जी ते तमाने प्रकार के हमन के विकृति पास कर जी वही से हमरे आज के 21वीं शताब्दी जो हमरे कहल जी बकिन के हमरे दी पीछे लौट के देखल जाते हमन के समाज में विकृति ज्यों के त्यों बा आजकल देखल जी ते हमन के देश नेपाल में ढेर से ढेर व्यक्ति डिग्री होल्डर बाटी कल के मतलब क्वालिफाइड बाटे अपने हिसाब से सफल बाटे बकिन का हमन के समाज जहाँ तक जितना तक असल होए खो सबे होए को उतना नहीं होए बात बा अते एकर कारण का होते ये निश्चित रूप में हमन के समाज देश में पीछे पड़ल बा एके हमरे स्वीकारल गईला। हमन के समाज में विकृति विसंगति उग्र रूप लिहे के प्रयास में बा लेकिन हमन के एक कंट्रोल करे के लिए नियंत्रण करे के लिए विभिन्न शिक्षा युवा लोगन के बीच में हमन के दिहे के जरूरी बा आए में हमन के जैसे कहल जा हर एक किस्म के अब देश में जो परिस्थिति बा एक हमन के अनुकूल पॉजिटिव बात लिहे बा निगेटिव बात हमन के छोड़े के बा हमन के युवा लोगन में युवा पुस्ता में जब तक ज्ञान के नहीं हुई विचार हमरे नहीं कही पाई जाए हमन के जो अंदर जो क्षमता बा खूबी नुकाइल बा ओके हमरे जब तक उजागर नहीं करल जाए जब तक प्रष्ट होके खुला रूप में हमरे समाज में अपन व्यक्तिगत चीज जौन बा अंदर के ओके व्यक्त नहीं कही सकल जाए तब तक हमन के समाज आगे नहीं बढ़ पाई और हमन के जौन विकृति के रूप में जौन हमन के नाच बाजा लिहल जाला एठू सांस्कृतिक कार्यक्रम हमन के अच्छा विषय हो लेकिन ओमे के हमन के पॉजिटिव बात लिहल जाए तो अच्छा हो निगेटिव बात लेके चलल जाए तो गलत हो। तो वैसे हमन के जौन समाज में तमाने प्रकार के विकृति विसंगति बा और तमाने व्यक्ति जौन कहानी कि हम अपन जीवन में सफल बाटी उदाहरण के करते हमारे कहल कि कौन डॉक्टर हो गिल बा कौन इंजीनियर हमन के समाज में बाटें बकिन का ओकरे अपने आप के कहानी हम सफल बाटी का अब कितना व्यक्ति जौन बाटी कि अब एक आर्थिक हिसाब से भी संपन्न नहीं हो सकें बकिन का दूसरे के सुधार करते उस सब लागल रहने ये आपके एक विचार में कैसन व्यक्ति के हमरे सफल व्यक्ति मान सकल जला। अब हजारों जनसंख्या में एक दुई व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर बनले से नहीं होला एक दुई व्यक्ति हम सफल हो गई डॉक्टर बन गई इंजीनियर बन गई अथवा उच्च ओहदा के जागीर पा गई
कहले से हमान के समाज अच्छा हो गेल कह के नहीं हुई। हमान के जब तक अपन पीछे नीचे वाला पीढ़ी के जब तक हमरे बदले के नहीं सकल जाई तब तक हमरे सफल बाटी हमरे शिक्षित हो गेल गेल कहले के तुक नहीं बा। ते आप एटू समाज असल बना के खातिर कैसन कैसन प्रेरणा दहल जात कैसन कैसन कार्यक्रम लियाल जाते हमन के में सबसे पहले एटू जन चेतना मूलक कार्यक्रम लिया जरूरी बा। एमे हमन के राज्य पक्ष के भी हाथ होए के चाहिए काहे से हमन के समाज में ढेर प्रतिभा लोग नुका के बैठल बाटे ओन्हन के हमन के जब तक अवसर ना दिहल जाए कौनो कार्यक्रम लियान के ओन्हन के अवसर ना दिहल जाए तब तक उन्हरे जहाँ बाटे वहीं को ही रह जाइए। ऐसे हमन के जन चेतना मूलक कार्यक्रम विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना इकुल आगे बढ़ा के उन्हन के हमरे जागरूक कई सकल जाला। हाँ तो हमन के देखा जी कि हर एक चाट पर्व में हमन के गांव घर में कार्यक्रम पहले और आज की तुलना में आजकल ज़्यादा होते बकिन का अब हमरे कितना जगह देखल जीते वह कार्यक्रम में विकृति फैल जात कार्यक्रम देख के और सुन के हमरे अति कैसन कार्यक्रम हमन के करे के आवश्यक बात ताकि हमन के समाज में जो युवा लगन बाटी लड़के लगड़ा बाटे वन में कुछ सुधार हो सके। अब ये कार्यक्रम जो हमन के विगत से करत आयल जाता सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पेशली का कहल जाला खिचड़ी महोत्सव में हमन के जो नाच गान करल जाता वो सकारात्मक चीज हो लेकिन ओह में जो विकृति किस्म के जो पॉइंट बाटे उन्हन के निरुत्साहित करे के लिए हमरे जो भद्र भल आदमी समाज सेवी लोग बाटे बैठ के ओके छल फल कह के मूल्यांकन कह के कितना तक हमरे छाड़ा खुला छोड़ सकल जाला कितना तक हमरे ओके ओपन कह सकल जाला नियंत्रण कह सकल जाला वो हमन के भद्र भल आदमी के हाथ में बा। सामाजिक जो आयोजक बातें उन्हन के ऊपर निर्भर बा ओके हमरे अच्छा चीज के प्रोत्साहन कह के जो गलत बा उन्हन के निरुत्साहित कर जाइल जाए हमरे आगे जाके सफल होइल जाए। ते पहले और आज के तुलना में भी देखल जीते कुछ वर्ष पहले जो कि हमन के लड़की लोग रहने बहन बेटी रहने वन के एक ठो बंदेज रहे कि नेत्र में वो सब रहने पढ़े के खातिर या कोनो काम करके खातिर नहीं पात्र रहने ते आज काल देखा जा पहले और आज की तुलना में ते ढेर आगे बढ़ गई बाटी लड़का से लड़की आगे बढ़ गई बाटी ते एमा अगर एक कारण का होते हमन के निश्चित रूप में हमन के पहले आज से 20-25 वर्ष पहले लड़की लोग स्कूल के मुँह नहीं देखत रहने लेकिन अभी विगत में हमन के कहे पड़ल कि हमन के समाज में जो लड़की के स्तर बा आगे उठल बा पहले के तुलना में ढेर प्रगति भइल बा हमरे ढेर परिवर्तन कइल गइल बा। लड़की लोग पढ़त बाटे उन्हन के एठू अपन उन्हरे जो देश के बारे में सोचले बाटे अपन हिसाब से उन्हरे विकास करत जात हों लेकिन लड़कन के लड़की के तुलना में लड़का कुछ नीचे बैल बाटे ओकर कारण का हो जैसे अब रोजगारी के समस्या हम ओके मेन कारण रोजगारी के समस्या देश में रोजगारी के समस्या रहले के कारण जल्द से जल्द उन्हन के पैसा कमाए के सोच रहला आर्थिक अभाव के कारण उन्हें पैसा कमैले के चक्कर में पढ़ाई के निरंतरता ना देहले के कारण उन्हन के लड़का लोगन के पढ़ाई कम हो जाता लड़की लोग के अब शादी ब्याह के तुलना में कहल जा तो जैसे अब हमन के थारू में भी कुछ दहेज पर था ओपन रूप में ना आई बा तब ऊपर आंतरिक रूप में कुछ जगह अगोट ले बा तो ओके कुछ हमन के गार्जियन के हिसाब से भी अपन लड़की के जो पढ़ावत बाटे कि हमन के पढ़ ली हैं तो अच्छा बर मिली अथवा उन्हन के होशियारी अपन जैसे स्त्री लोगन के जो दमन होत रहे ओकर उन्हें अपन प्रतिवाद करे के क्षमता भी रही कह के लड़की लोग पढ़त बाटे और उन्हन के पढ़ले में हमन के समाज में एक ठू अलगे किस्म के प्रभाव जात बा
एक हमन के सकारात्मक रूप लिए के पड़ी और लड़की जैसे पढ़ लेने हमन के काबा विकृति एठू लड़की पढ़ लेने तो ओकर हिसाब से लड़का शादी ब्याह के लिए जब तक ओकर हाइट नहीं मिली तब तक बैलेंस चेक एंड बैलेंस जब नहीं हो पाई तो हमन के तनिए के वहाँ फिर विकृति आवला शुरू होला तो ऐसे हमन के दोनों रथ के दोनों पहिया पैरेलल होए के चाहिए बराबर होए के चाहिए ये हम संदेश दिहल चाहते हैं। हाँ तो अब ऐसे नहीं हमन के जो आए वाला दिन में अब कहल सा हमन के फिर अब नाग पंचमी आई भी करी अब हमन के तमाने प्रकार के जो पहले के चाल सन बा संस्कृति बा दिन प्रतिदिन लोप होते जात बा जो कि आज हमने हर एक हिसाब से क्वालिफाइड बाटी कह के सब जने कहत बाटे बकिन के हमन के जी पीछे लौट के देखल जा हमन के समाज की विकृति उतने बा और हमन के जो पहले के चाल चलन बा हमन के वेशभूषा लोप होते जात बा ते हमन के ये जो संस्कृति बा कला बा हमन के एक कैसे जगरना कर सके जिसमें लागत एक जगरना करे के लिए हमन के सबके सचेत होए के जरूरी बा जैसे हमन के का बा हमन के समुदाय में ये कल्चर के हिसाब से जो चार पर्व कहना हमन के त्यौहार कहल जाला ये बहुत बातें हमन के अब यह नागपंचमी से शुरू हुई आपके नागपंचमी एक बाद में बड़का इतवार दशहरा दीपावली अमौसा कहने खिचड़ी आई फगुआ एक बाद में ये विभिन्न किस्म के जौन हमन के निजी त्यौहार होने लेकिन एक बावजूद भी हमरे और समुदाय के जो हाँ जैसे रक्षाबंधन हो गए भाई टीका हमन के नहीं लगत रहे ये कुल भी हमरे ओके अपना लिहल गई ऐसे हमन के एमे ज्यादा कह के इन्वॉल्व हो जाला लेकिन हमन के जो वास्तविक के त्यौहार बा ओकर पर ध्यान नहीं दिहल जाता ओके हमरे थोड़ा बहुत वैसे तो परिवर्तन करे के जरूरी बा परिवर्तन होए के पड़ी लेकिन इतना परिवर्तन ना कि हमन के कल्चरे हरा जाए उ हमन के नहीं करे के बा हमन के खाली अपन जौन वास्तविक त्यौहार रहे ओके मनावते हुए और के भी साथ में लेके हमन के उतना भव्य नहीं कि अपन हिसाब से कितना हमरे सकल जाता गटई देख के हार नहीं लल जा उ जब तक हमरे अपना सोच नहीं बनाई जाए आने के देख के हमरे तड़क भड़क दुनिया के रंगी चंगी करल जाए तो हमन के आर्थिक हिसाब से भी माइनस हो जाए ऐसे हमन के जौन त्यौहार बा ओके परंपरा हो मनाए के पड़ी जौन गलत चीज बा ओके छोड़े के पड़ी इहे हमन के सबके में जन चेतना जगाए के बा इतना करे वैसे हमरे देखल जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर ऐसे हमन के कैमरा पर्सन बाटे नरेश और हमन के आज के अतिथि बाटे एक समाजसेवी कलम बहादुर चौधरी और कार्यक्रम के साथ में हम संचालक राज अति ये कार्यक्रम आप हर एक सोम के ऐसे मंगल के और बुध के आप देख सकल जला तो वैसे हमन के जो ये 42 बा हमन के लड़की लड़का में जैसे पहले लड़की कम पढ़त रहने पढ़े नहीं पात रहने हमन के मूल कारण रहते वो रहे बकिन का आज जो हमन के घर से अधिकार प्राप्त हो चुकल बा ते लड़की लोगन कोनो सिप सीखत बाटे या अपन गोड़े पर ठड़िया गिल बाटे हमारे कह के एकदम गर्व के साथ कही सकल जी बकिन लड़का लोगन थोड़े से बैक होत बाटे ते अखन 42 नहीं मिलत बा और वहाँ भी एक तो विकृति जो पैदा हो गल बा हमारे कह चुकल बाटे ते ये 42 लाने के खातिर हमारे कैसन कार्यक्रम या कौन उपाय लगाए बैलेंस लाने के लिए हमन के मेन कहो हमन के युवा लोगन के भी ई हमन के राज्य के दायित्व हो हमन के जौन पलायन होत बाटे युवा लोग उन्हन के यही देश में अपने देश में रोजगारी सृजना कह के जब तक ई राज्य उन्हन के कोनो व्यवस्था नहीं करी तब तक ई सुधरे वाला नहीं बा हमन के प्रयास करे के पड़ी सरकार भी प्रयास करी हमन के अपन समुदाय भी वह में लग के एक जन चेतना जगा के हमन के पढ़ाई में शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान दिए के पड़ी एक बाद में आर्थिक कमाई तो होबे करी नहीं तो हमन के जौन समस्या बा ज्यों के त्यों रही एहमे हमन के सब मिला सब हरेक बुद्धिजीवी भद्र भल आदमी सब सब जगह से आवाज़ उठे पड़ी कि हमन के लड़की के जो
पढ़ाई के स्तर ऊपर जाता लड़का के नीचे जाता हमन के अब कैसे परिवर्तन करे के पड़ी उन्हन के निरंतरता तो दिए के जरूरी बा निरंतरता अगर नहीं दिहल जाए तो ये और भी आगे बढ़ी ऐसे हमें सब युवा लोगन के हमार संदेश बा कि युवा लोग भी हमें जागरूक होए के पड़ी पढ़ाई में ध्यान दिए के पड़ी शिक्षा शिक्षा भर नहीं प्राविधिक शिक्षा भी ली है तब पर भी उन्हन के स्कूल कॉलेज के शिक्षा भर ना हो कि हमन के जो एक आजकल प्राविधिक यानी कि टेक्निकल कोनो भी लाइन प्राप्त कर सकत जाना तो वैसे हमन के जो लड़की लड़का में ये कुछ ढेर अंतर हो चुकल बा और हमारे कितना जगह देखा जाता है कितना लड़की जो डिग्री कर चुकल बाटी बैचलर कैले बाटी या कितना जन इंटर कैले बाटी बकिन के अखने जो शादी ब्याह होत के आजकल सीधे एक लड़का लोगन ते कम पढ़ले रही है फिर भी ओखन के सीधे अब लड़की क्वालिफाइड बढ़ले बाटे एक तरफ बकिन का सीधे एक दहेज यानी कि अब और दहेज ते बटले बा अपन जगह पर जोन हल्का चीज जिनसे सामान बकिन का सोझे अब 2.5 लाख के 3 लाख के आजकल 3.5 लाख के बाइक मांगत बाटे ते उस सब के खातिन आप का कह चाह जीते अभी ये ठू हमान के प्रमुख विकृति में ये आवाला दहेज सिस्टम दहेज प्रणाली प्रमुख एक विकृतिये हो देखल जा कमजोर मानसिकता के उपज हो सभ्य मनई दहेज मंगबे नहीं करी शिक्षित आदमी शिक्षित पढ़ा लिखा लड़का अगर रही तो दहेज नहीं मांगी उहे चीजवा हमन के परिवर्तन करेगा इहे चीजवा सब में जन चेतना गांव गांव में युवा लोगन के जनाएगा कि आने के लड़की से 2-4 लाख रुपया दहेज लेके ओकर जीवन नहीं चली ओके तो अपन कमाई पर विश्वास होए पड़ी लड़का अपन कमाई पर जब तक विश्वास नहीं करी तब तक आने के दहेज लेहले से ओकर जीवन निर्वाह नहीं हुई इहे चीज में ओके कन्विंस करे पड़ी हाँ तो वैसे हमन के अजो ने समाज में रहल विकृति विसंगति हमन के हटाए के आवश्यक बा और हमारे युवा लोगन भी ये पहल करे के आवश्यक बा ते वैसे हमारे इतना गरीब बातचीत कर जत बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में हमन के लग आज अतिथि बाटी कलम बहादुर चौधरी और संचालक हम राज इसने हमन के कैमरा पर्सन नरेश बाटे ते वैसे हमन के तमाम प्रकार के हमन के समाज में विकृति और हमन के एक कुछ बाल ब्याह देखा जी पहले और आज की तुलना में ढेर से ढेर हट गिल बा एक तो कम मात्रा में बाकी इनका हमन के एक दक्षिणी भेग से आयल हमन के जो है एक दहेज प्रथा बा एक कुप्रथा के रूप में जड़ गढ़ते जात बा उसे हमारे देखा जी पहले बढ़िया बर्तन देते रहने और आज जिनसे सामान कम कह के अब वैसे हमारे बाइक जो सोफा सीट तमाने महंग चीज देत बाटें तो हमन के समाज की विकृति जरूर हो ते अब अना दिन में आपके गांव समाज में कैसन प्रकार के कार्यक्रम कैले से जोन की एमा व्यक्ति की आँख खुली जैसा लगता आपके कैसन सोच रखल गई कि हम के अब अना दिन में ऐसा कार्यक्रम कर लगे अब ये जो दीर्घकालीन योजना हो जौन हमन के 50 वर्ष से चली आई रीति रिवाज हो अब एक दाई उन्मूलन नहीं हुई एकर निर्मूल पारे के लिए एक दाई हमन के अभियान नहीं कह सकल जाए एक धीरे धीरे उहे जौन हमन के कार्यक्रम जन चेतना मूलक कार्यक्रम नाटक सड़क नाटक अथवा और कार्यक्रम कह के जैसे खिचड़ी महोत्सव में हमन के कार्यक्रम योजना करल जाला आयोजना करल जाला ओह में हमन के उ कुल दस्तावेज एठू नाटक के हिसाब से हमन के कई के ओके उन्मूलन करे के प्रयास कर सकल जाला धीरे धीरे जब तक जन चेतना नहीं हुई तब तक एक के नहीं हमरे चाहल जा कि उन्मूलन हो जाए तो नहीं हो पाई एक स्टेप बाय स्टेप जाए पड़ी तो इसे हमरे आपसे बातचीत करते विद्यालय से हो गई बात ऐसे हमरे इतना गरीब बातचीत कर गई हमने आज अतिथि रहने एक समाजसेवी कलम बहादुर चौधरी अते वैसे फिर आप देखल गेल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर ऐसे खुशी लगल और आप भी अपन अमूल्य समय धर गेल आपके हृदय से धन्यवाद दे चल बा धन्यवाद ये बुद्ध चैनल परिवार के विशेष कह के राज चौधरी जी के हमें आज ही बुद्ध चैनल में एक अंतर्वार्ता दे दिए के अवसर पहली इसमें हम बहुत अपने के लिए भाग्यशाली महसूस करते हैं हम अपन समाज के तरफ से और अपन व्यक्तिगत तरफ से सबके नमस्कार चल
हाँ ते उसे हमरे इतना गरीब बातचीत कल गिल एक समाज से भी कलम बहादुर चौधरी से अते उसे अभी देखल गिल कार्यक्रम संति सरोवर आपकी विरिधि से धन्यवाद इस हमन के कैमरा पर्सन नरेश अनु के बीच धन्यवाद फिर जाते जाते फिर राज की बात हमन के एक युवा होके असल सभी समाज निर्माण करके हमन के आवश्यक बा और हमन के समाज में विकृति का काबा हमन के अपने हटाए हमन के कर्तव्य हो और यह बात फिर आप देखते रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन यह बात राज भी विदा होत बा नमस्ते।